तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्रेसर को हम लोग कैपेसिटर से किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं काम करने के लिए और वहां पे आपके सामने एसी कंप्रेसर हो, ठीक है, डीसी नहीं, एसी, ठीक है, जो एसी नॉर्मल एसी होते हैं वो एसी कंप्रेसर रखा हुआ है। अब उसको डायरेक्ट स्टार्ट करके कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए कि आपका कंप्रेसर वहां पे चल नहीं रहा है तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पूरा बताने वाले हैं। डायग्राम हम लोग इसलिए बनाते हैं कि जब आप डायग्राम आप एक दो बार अपने हाथ से बनाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक वायरिंग आ जाएगा कि किस तरीके से वायरिंग होती है। ठीक है, आज हम लोग बताने वाले हैं कि रनिंग कैपेसिटर से कंप्रेसर को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, उसके कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग बना लेते हैं एक कंप्रेसर, ये देखिए ये जो है कंप्रेसर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। कहीं पे भी आप जाओगे, अगर सिंगल फेस की आप कंप्लेन कहीं पे देखने गए तो आपको यही कंप्रेसर मिलेगा, आप चाहे वो रोटरी हो, टिकमशा हो, या जो है सेमी सीड कंप्रेसर हो, अलग अलग तरीके का कंप्रेसर होता है, लेकिन ये चीज जो है वो सेम होती है, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। ठीक है, तो अब हम इसे चालू कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों के पास एक कैपेसिटर लगाते हैं, यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर है, और ये जो है मान लीजिए अगर 1 टन की एसी है तो ये 36 mFD का है। ठीक है, 36 mFD का कैपेसिटर है। अब इसमें दो पिन निकला होता है, ये देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, ये जो है हमारा कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर से वायरिंग किस तरीके से जाएगी कि हम कंप्रेसर को आसानी से चला सकते हैं, तो यहां पे देखिए अभी हम लोग इसका कनेक्शन कर दे रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जो है हम दे देते हैं पहले लाइन। अब कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए 220 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। आप कभी भी कहीं पे भी जाइए एसी देखने के लिए, थ्री फेस हो, सिंगल फेस हो, थ्री फेस में तो खैर थ्री फेस ही लगता है, सिंगल फेस की आप कोई भी एसी देख रहे हो, फ्रिज देख रहे हो या कोई भी चीज देख रहे हो, आपको ये चीज जरूर ध्यान देना है कि हमें 220 वोल्टेज चाहिए कोई भी मशीन को चलाने के लिए। तो अब मान लीजिए कि आपका ये लाइन है, लाइन हमारा चला गया सीधा कैपेसिटर पे, ठीक है, कैपेसिटर पे चला गया। अब जहां पे ये मेन सप्लाई कैपेसिटर पे जा रहा है वहीं से हमारा उठ के जाएगा रनिंग पे। अब हमारा जो भी मेन सप्लाई है वो यहां से देखिए लाइन से कहां गया, कैपेसिटर पे, और जहां पे कैपेसिटर पे लगा हुआ है मेन सप्लाई वहीं से उठ करके जाएगा हमारा रनिंग पे। अब रनिंग पे हमारा फेस पहुंच चुका है, अब हम देंगे न्यूट्रल। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो है हम लोग दे देते हैं न्यूट्रल, ये देखिए ये है न्यूट्रल ब्लैक कलर का, इसलिए कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब न्यूट्रल जो है हमारा जाएगा सीधा कॉमन में, यहां से आया और ये आया और ये आके कॉमन में लग गया। ठीक है, अब इसको 220 वोल्टेज मिल चुका है, ठीक है, कॉमन में हमारा न्यूट्रल जा चुका है और रनिंग में हमारा फेज जा चुका है। ठीक है, अभी भी ये कंप्रेसर जो है ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि 220 वोल्टेज पहुंच गया है लेकिन फिर भी ये स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां से देखिए जहां पे हमारा मेन सप्लाई जा रहा है वहीं से हमारा आउट होकर के रनिंग में चला गया। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग देना जरूरी है, कैपेसिटर हम लोगों ने इसीलिए लगाया है ताकि वो स्टार्ट कर सके कंप्रेसर को। अब यहां से देखिए, उसके जस्ट जहां से हमारा मेन सप्लाई जा रहा है वहीं से हमारा रनिंग में चला गया और उसके जस्ट बाजू से जो है हमारा चले जाएगा स्टार्टिंग में। यहां से देखिए ये गया, यहां पे मैं लूप कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ये चला गया स्टार्टिंग में। ठीक है, यहां से चला गया स्टार्टिंग में। अब ये हमारा कंप्रेसर जो है प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही हम ऑन करेंगे कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंप्रेसर को कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।